हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आ गए हैं हम फिर से एक और कमाल के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं गायरोस्कोप डेली टेस्ट। तो देखते हैं हमारा जो नया अपडेट आया है MIUI 12.0.4 का अपडेट आया है, तो उसके बाद जो है पोको M2 में गायरोस्कोप डेली जो है वो फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर फिक्स हुआ है तो वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा, अगर नहीं फिक्स हुआ है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है वो फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो गायरोस्कोप डेली जो हो गया, तो आवाज हम करने वाले हैं पोको M2 में। लैग फिक्स टेस्ट भी हम करेंगे, तो देखते हैं हमारा जो कितना लैग होता है आज नए अपडेट के बाद पोको M2। तो पहले मैं आपको यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग में हमारे जो है वो स्मूथ एक्सट्रीम पे खेल रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लॉबी में भी स्मूथ एक्सट्रीम रखा है, और साथ में स्टाइल रखा है कलरफुल मैंने, और यहाँ पे मैं जो स्मूथ एक्सट्रीम जो है इनेबल किया है वो मैंने किया है GFX टूल से। तो सबसे पहले करेंगे हम लैग फिक्स टेस्ट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में जो है गायरोस्कोप डिले जो है वो कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने TDM स्टार्ट कर लिया है, थोड़ा सा फॉरवर्ड किया है यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे हम TDM में आ चुके हैं। तो ये वाला जो नया अपडेट आया है उसमें गायरोस्कोप का अपडेट नहीं था, तो ये जो अपडेट था वो सिक्योरिटी पैच का अपडेट था। सिंपली इसमें सिक्योरिटी पैच अपडेट किया गया है, जून 2021 का जो सिक्योरिटी पैच होता है तो वही अपडेट किया गया है MIUI 12.0.4 में। तो देखते हैं हमारा जो डिवाइस है वो कितना ज़्यादा लैग करता है। तो ये वाला TDM हम कंप्लीट करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा जो टीममेट है वो हमें मार देता है। तो अभी तक तो लैग नहीं हो रहा है, अभी तक तो गेम अच्छा चल रहा है। तो देखते हैं हमारा कितनी देर तक गेम अच्छा चलता है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे बैठा है, इसको यहाँ पे गोलियाँ नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये वाला भी बंदा बैठा है, तो इसको यहाँ पे हम DP का एक बर्स्ट दे देते हैं और यहाँ पे इसको फिनिश कर लेते हैं। तो लैग फिक्स टेस्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में जो है गायरोस्कोप डिले जो है कैसे फिक्स कर सकते हैं, कौन सा वो अपडेट होगा जिससे कि आपका जो डिवाइस में गायरोस्कोप है वो इम्प्रूव हो जाएगा और आपका गायरोस्कोप डिले जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं, आपको कोई ऐप बता देते हैं कि आपको इससे जो गायरोस्कोप डिले है वो फिक्स हो जाएगा, लेकिन फिर उससे गायरोस्कोप जो है वो डिले फिक्स नहीं होता है। तो आपको मैं बता दूं, आपको कोई ऐप ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऐप से आपका जो गायरोस्कोप है वो फिक्स नहीं होगा। अगर आपका गायरोस्कोप फिक्स होगा तो वो सिर्फ अपडेट से होगा, वर्चुअल गायरोस्कोप अपडेट से आपका गायरोस्कोप डिले जो है वो फिक्स हो सकता है, बाकी आपको कोई भी ऐप ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी अपनी डिवाइस में कोई गायरोस्कोप की ऐप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अभी के अभी उस ऐप को जो है वो अनइंस्टॉल कर ले। उस ऐप से आपका कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि आपकी स्टोरेज आएगी, आपका जो गायरोस्कोप है वो उस ऐप से फिक्स नहीं होगा। सबसे पहले जो है वो शामी वालों ने बताया था कि MIUI 12 में आपका जो गायरोस्कोप है वो उसको इम्प्रूव किया जाएगा, लेकिन MIUI 12 में इम्प्रूव नहीं किया गया, बल्कि मतलब एक अपडेट आया था जिससे कि मतलब हमारा जो गायरोस्कोप है वो थोड़ा फिक्स हो चुका था, मतलब पहले के मुकाबले थोड़ा सा फिक्स हो चुका था। उस अपडेट से जो है हमारा गायरोस्कोप जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका था, उसी प्रकार से एक और अपडेट आएगा जिससे कि हमारा गायरोस्कोप जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, और हमारा गायरोस्कोप जो है वो 95-96% तक जो है फिक्स हो जाएगा। तो अगर आप अभी इस वीडियो में हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डिवाइस में जो है वो गायरोस्कोप जो है वो कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हैकर आ चुका है, यहाँ पे स्पीड हैकर एक आ चुका है, तो इसको भी हम पेलते हैं। वीडियो में अभी आपको दिखा रहा हूँ ये लैग फिक्स, मैं आपको मतलब दिखा रहा हूँ, अभी मैं स्मूथ एक्सट्रीम पर खेल रहा हूँ और देख रहा हूँ कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा हमारा गेम। जितना ज़्यादा आप मतलब स्मूथ पे खेलेंगे उतना ज़्यादा आपको गायरोस्कोप जो है वो फिक्स देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपना गायरोस्कोप ठीक फिक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपको स्मूथ एक्सट्रीम पर खेलना होगा, स्मूथ अल्ट्रा पर आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा गायरोस्कोप डिले देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मतलब पबजी में एक 1.6 का अपडेट आएगा जिसमें कि आपको सुपर स्मूथ करके एक ऑप्शन नज़र आएगा, जैसे कि आपका गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम लैग हो जाएगा और हमारा गायरोस्कोप डिले जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अब तक तो आपको समझ आ चुका होगा कि कोई भी ऐप जो है उसको इस्तेमाल करके आप अपना गायरोस्कोप डिले जो है वो फिक्स नहीं कर सकते, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपली मेथड है। अगर आपका जो कंपनी है वो अगर आपको मतलब एक अपडेट देगी जिसमें कि आपका वर्चुअल गायरोस्कोप जो है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, तो उसी तरीके से आपका गायरोस्कोप डिले जो है वो फिक्स हो सकता है,
और कोई भी तरीका मतलब आप अपनाएंगे, कोई ऐप ट्राई करेंगे, मतलब उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी मेरा जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है। अगर आपके फ़ोन में गायरोस्कोप डिले है वो आप कमेंट कर सकते हैं अपने फ़ोन का नाम, तो उसके लिए अगर कोई सोल्यूशन होगा तो वो मैं आपको बता दूँगा। तो मैं आपको मतलब रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास पोको M2 और रेडमी नाइन प्राइम है, आप कोई भी ऐप यूज़ ना करें, आप बल्कि एक अपडेट का वेट करें। Xiaomi कॉल की तरफ से एक अपडेट आएगा जिसमें कि हमारा वर्चुअल गायरोस्कोप जो है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो बाकी यहाँ पे लैग फिक्स टेस्ट भी मतलब होता है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा जो लैग फिक्स टेस्ट है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अब चलते हैं हमारे गायरोस्कोप डिले टेस्ट पर। तो हम यहाँ पर अब ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके हैं, हमारा जो लैग फिक्स टेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन में गायरोस्कोप डिले जो है वो कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सिंपली आपको पहले सबसे पहले करना क्या है, आपको मेरी सेंसिटिविटी जो है वो उसको कॉपी कर लेना है। तो ये रही मेरी कैमरा की सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये रही ADS की सेंसिटिविटी को भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे रही गायरोस्कोप की सेंसिटिविटी, और यहाँ पे एक और सेंसिटिविटी आई है ADS गायरोस्कोप नाम से। तो गायरोस्कोप की सेंसिटिविटी और ADS गायरोस्कोप की सेंसिटिविटी आपको सेम रखनी है, वरना आपका गायरोस्कोप डिले जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं रिकॉइल बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं गायरोस्कोप स्ट्राइक करूँगा और आपको बताऊँगा मेरा जो गायरोस्कोप है वो कितना ज़्यादा कम है, कम डिले है। और आप भी मतलब गायरोस्कोप डिले पर बहुत ज़्यादा कम रिकॉइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग ज़ीरो रिकॉइल हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दो तीन स्प्रे और बताऊँगा, 4x पे भी दिखाऊँगा, 3x पे भी दिखाऊँगा और रेडॉट पे भी दिखाऊँगा। तो सब में आप ये सेंसिटिविटी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मेरी सेंसिटिविटी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3x का रिकॉइल बहुत ज़्यादा कम है गायरोस्कोप डिले के मुकाबले। मैं यहाँ पे ऑलवेज आप गायरोस्कोप खेलता हूँ, लेकिन मैं क्लोज रेंज में ADS ही इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पे लॉन्ग रेंज स्प्रे में गायरोस्कोप का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये वाला स्प्रे जो है वो गायरोस्कोप से मैंने किया है। आप ऐसा रिकॉइल जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप मेरी सेंसिटिविटी कॉपी करेंगे। तो बाकी रहा गायरोस्कोप डिले का सवाल, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो एक अपडेट से फिक्स हो सकता है। जल्दी ही आपको आपकी डिवाइस में आपको एक अपडेट देखने को मिल जाएगा, गायरोस्कोप वर्चुअल फिक्स करके आपको एक अपडेट देखने को मिल जाएगा जिससे कि आपका जो गायरोस्कोप है वो बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्प्रे जो है वो देख लीजिए, और आपको मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके डिवाइस में कोई ऐप है जिससे कि आप गायरोस्कोप फिक्स कर रहे हैं तो आप उसे जल्दी से जल्दी अनइंस्टॉल कर ले, उससे कोई भी फ़र्क आपकी डिवाइस पर नहीं पड़ने वाली। तो इतना ही हमारे वीडियो में आज की वीडियो में था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।